हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मास्टरमाइंड एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, जैसा कि कई दिनों से हमने पिछले लाइव आकर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने का प्रयास किया, लेकिन नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से बिल्कुल क्लियर नहीं दिख पा रहा था, तो हमने सोचा कि आप लोगों के सामने रिकॉर्डेड वीडियो ही आप लोगों को दिया जाए। तो इसके लिए मैं छोटा छोटा वीडियो आपको बना बना करके दूंगा, जिससे आप क्वेश्चन को देखने में भी आसानी से समझ सकते हैं, और छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो आपको देखने में समस्या नहीं होगी। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 तीनों क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर भी दिख रहा होगा, आप वहां से भी वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आपके पास पीडीएफ भी अवेलेबल है, आप वहां से भी क्वेश्चन को समझ सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है, 15 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि 8 वर्षों कोई धन 8 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने का 3 गुना हो जाता है। यानी कोई अगर 1 रुपए का धन है तो 8 साल में कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना। दिख रहा है यहां तक, ठीक है। फिर नेक्स्ट एटीएल, ये सीआई का, सीआई कहता है, सीआई का ये कॉन्सेप्ट समझिए, जो समझिए, इसका बेसिक फॉर्मूला भी है कि ये क्यों ऐसा होता है, उस क्यों का जवाब हम ऑफलाइन बैच में समझा सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत लंबी वीडियो बनेगी जो अपलोड करने में समस्या हो, तो आप अभी फिलहाल समझिए। यहां मेन ये होता है कि रेट होना चाहिए सेम, एक ही रेट रहना चाहिए, और टाइम पीरियड, यानी जो टाइम पीरियड है 8 साल 8 साल, ये टाइम पीरियड भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, समय अवधि और रेट दोनों क्या होना चाहिए, एक जैसा रहना चाहिए, ठीक है, तब ये होता है। तो पहले 8 साल में 3 गुना, फिर अगले 8 साल में 3 किया 9 गुना हो जाएगा, यानी 1:3 हुआ, तो अगले 8 साल में भी ये 1:3 ही होगा। तो देखिए यहां पर 1 की वैल्यू 3, तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 9, सिंपल है। फिर नेक्स्ट अगले 8 साल में यह 9 किया 27 गुना हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अगले 8 साल में भी 1:3 ही बढ़ेगा, इसी रेशियो में बढ़ेगा, सेम समान रेशियो में बढ़ता है, अगर टाइम पीरियड समान हो तो यह समान रेशियो में बढ़ता है। तो 1 की वैल्यू 9, तो 3 की वैल्यू क्या हो गई, 27। बात समझ में आ रहा है आपको, तो इस तरीके से इसको हम हटा देते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा कि 1:3 में बढ़ रहा है। फिर अगले 8 साल में ये 27 से 81 गुना हो जाएगा, और फिर अगले 8 साल में 27 81 से 243, जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछ रखा है। यानी अगर टाइम पीरियड सेम हो और रेट सेम रहे तो ही सेम समय में सेम अनुपात में बढ़ता है, ठीक है। तो 243 गुना होने में हमें कितना समय लगा, 8 8 16 8 24 8 32 8 40 साल लगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ करेक्ट, लेकिन ये थोड़ा सा समय लग जाता है, ये आंसर तुम्हारा ये है 40 वर्ष, जो ऑप्शन नंबर बी है, लेकिन हम इस तरीका से थोड़ा लंबा पड़ जाता है, तो इसको थोड़ा शॉर्ट में कैसे बनाएंगे अपने पेपर में, हम इसको समझते हैं, ठीक है। तो उस पेपर में बनाने के लिए इस क्वेश्चन को हम आराम से क्या करेंगे, हम सीधा लिखेंगे कि जैसे 8 साल में यह कितना गुना हो जाता है, 3 गुना, तो हमें 243 गुना बनाना है, यानी 3 का पावर कितना बनाना है, 5। तो जितना पावर बनाना है उस पावर से यहां दिए हुए समय में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 40 साल में यह अपने आप का 243 गुना हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ गया होगा। यहां पर बात में, यानी 40 साल में, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया, चलिए ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, ये हम इसको सेम क्वेश्चन है, बस दोनों तीनों क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट का है, बस थोड़ा सा तीनों क्वेश्चन में डिफरेंस है, उसको हम समझते हैं, फिर समझते समझते आगे बढ़ेंगे। देखिए कहता है कि 30 वर्ष में यह कितना गुना हो जाता है, 13.824 गुना, तो यहां पर हमें 2.4 गुना पूछ रहा है कि कितने दिन में होगा। क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि यह धन अपने आप का 2.4 गुना। तो अब देखिए, हम यहां पर गौर करने वाली बात यह है, अगर आपके माइंड में ये बात क्लिक हुआ तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि ये 2.4 का क्यूब है, 13.824 2.4 का क्यूब है, तो यानी ये 2.4 का पावर क्यूब होने में 30 साल लगा है, तो इसका मतलब 2.4 गुना होने में 10 साल लगा होगा। 20 साल में यह 1 से क्या हो जाएगा, 2.4 का स्क्वायर हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है, 20 साल में 2.4 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 साल में 2.4 गुना होगा, 30 साल में
2004 का की होगा, यानी हर 10 साल में ये 2004 गुना हो जाता है, हर 10 साल में 2004 गुना। तो इस तरीके से उस पहले वाले क्वेश्चन का सिर्फ रिवर्स ऑर्डर है, हमें यही दे दिया था और ये पूछा था। तो हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सीधा जब भी ऐसा दिया है तो इसका हम जो यहाँ पर जैसे कि था तो इसको क्यूब या स्क्वायर के फॉर्म में चेक कर लेंगे और देखेंगे किसका बनता है। तो जैसे यहाँ पर 3 था तो डायरेक्ट इस 3 से हम इसे भाग लगा देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 10 ईयर हमारा आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, 10 साल ऑप्शन नंबर बी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारा क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। इसको सेम क्वेश्चन, ये भी इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, इसको भी हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि अगर कोई धन 15 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 27 गुना हो गया, कितना गुना हो गया 27 गुना, तो 25 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, तो ये 3 का क्यूब है, तो यानी प्रत्येक 5 साल में 3 गुना बढ़ता होगा, प्रत्येक 5 साल में 3 गुना होता होगा, तभी तो 3 का पावर 3 बन गया। हमें बताया था कि जितना पावर यहाँ होगा उस पावर से यहाँ पर हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो कहने का मतलब है कि ये 5 साल में 3 गुना हो जाएगा, 5 साल में कितना होना 3 गुना। तो हमें इसने पूछा है कि 25 साल में कितना हो जाएगा, देखिए कितना गुना समय बढ़ा रहे हैं, 5 गुना समय बढ़ रहा है, तो 3 का पावर क्या बनेगा 5, यानी समय के साथ गुना होगा, और जब यहाँ पर जो बढ़ता है पावर के फॉर्म में तो ये पावर बन जाता है, तो 5 से 5 गुना करेंगे 25 साल में, तो 3 का पावर 5 यानी 243 गुना, 243 गुना हो जाएगा। इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही है, यानी अगर कोई धन 15 साल में 27 गुना हुआ तो 5 साल में 3 गुना हो जाएगा, तो 25 साल में 3 की पावर 5 243 गुना हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को यहां तक ये तीनों क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, समझ में आया या नहीं आया आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे, अगर बिल्कुल समझ में आ गया तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन लेकर के आता हूँ। तब तक के लिए आप इस तीनों क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बाय।